अल्पसंख्यक समुदाय के वोट लोग वोट रूट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट रूट नहीं देते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ललन सिंह मुजफ्फरपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बोल रहे थे, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बिना लाग लपेट के बोल दिया। अब बिहार की राजनीति में इस बयान पर विरोध के बाउंसर फेंके जा रहे हैं। नफरत फैलाने वालों के साथ तो ललन सिंह जी हैं, तो नफरत की बात ना करेंगे। क्रेडिबिलिटी थोड़ी है इन लोगों का, कभी इधर कभी उधर, तीसरा नंबर का पार्टी है। मसला मुसलमानों का था, लिहाजा ओवैसी की पार्टी AIMIM भी आई, ललन सिंह को JDU में बीच का एजेंट बता दिया। वो BJP में के आदमी हैं, वो JDU में बिलावजह से हैं, और हुकूमतें चलती हैं सिर्फ वोट से नहीं, हुकूमतें बनती हैं वोट से, लेकिन हुकूमतें चलती हैं जनता के टैक्स के पैसे से, इसलिए जिसने वोट नहीं दिया है उसको भी जीने का हक है। समझने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार की छवि सेक्युलर नेता की रही है, बावजूद इसके उनके बेहद करीबी ललन सिंह ने मुस्लिमों के वोट देने को लेकर ऐसा बयान क्यों दिया, ये सवाल उलझाने वाला है। वैसे CSGS का आंकड़ा कहता है कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 76% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया था, NDA को महज 5% मुस्लिम वोट मिले थे, ओवैसी के गठबंधन को 11% मुस्लिमों ने वोट किया था। जितना काम करते हैं उतना हमें वोट में वो कन्वर्ट नहीं होता, ये उनकी भावना उन्होंने व्यक्त किया और अपनी पीड़ा का उन्होंने व्यक्त किया। और ये बात हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि जब आप डेवलपमेंट मांगते हैं, जब आप काम मांगते हैं, तो निश्चित रूप से उस नेता के मनोबल को भी बढ़ाना पड़ेगा जो आपके लिए काम करता है। बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है और इस बार बिहार में मुस्लिम वोटों के 3 प्रमुख दावेदार हो गए हैं। नंबर 1 पर तेजस्वी और कांग्रेस का महागठबंधन है, तो दूसरे दावेदार प्रशांत किशोर है, तीसरे दावेदार ओवैसी है। अब जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसमें प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई है। 2020 में JDU से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं बना था, शायद यही वजह है कि JDU ने अब मुस्लिम वोटरों से खुले तौर पर दूरी बनाना शुरू कर दिया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.